कौन सा कक्षा में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम नरेंद्र पटेल है, मैं इंदरपुर से आता हूँ। मेरा पिताजी का नाम ब्रिजलाल पटेल है। और अच्छा, स्कूल में तालाबंदी क्यों आज? किनके द्वारा तालाबंदी किया गया? हमारे द्वारा, शिक्षक ने ही इसलिए। अच्छा, शिक्षक ने ही इसलिए जी। कब से शिक्षक की समस्या चल रही है? वो लगभग 2017 से। अच्छा, और उच्च अधिकारियों से शिकायत किया है आपने जी? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बताया, नेता जो है वो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि दो जुगाड़ कर देंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। और कभी नहीं आ रहे हैं टीचर, कभी नहीं आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है जी। मेरा नाम मल्लिका पटेल है। अच्छा। हमारे यहाँ टीचर की कमी के वजह से हमने ये हड़ताल रखे हैं। अच्छा। जब तक टीचर नहीं आएंगे तब तक हम स्कूल नहीं खोलने देंगे। अच्छा, आपके स्कूल में कितने दिनों से समस्या थी, कितने दिनों से टीचर की कमी थी? 2-3 सालों से ये समस्या है। 6 साल से जब से स्कूल खुला है तब से टीचर ही नहीं है यहाँ पे। 2017 से टीचर नहीं आया थे। अच्छा, कितना स्टूडेंट है यहाँ और टीचर कितना है? 250 स्टूडेंट होंगे। अच्छा। और यहाँ सिर्फ 3 ही टीचर हैं, बाकी 60 टीचर तो है ही नहीं। जब से स्कूल खुला है तब से नहीं है। गाँव वालों की मदद से हम लोग इतने साल पढ़ चुके हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप लोग मतलब टीचर भी बाहर से मतलब अपने? हाँ, बाहर से अपने पैसे से देकर मंगाते हैं। अच्छा, कितना टीचर बाहर से आप हायर करते हैं? 5 टीचर करते हैं। अच्छा, कितने साल से सिलसिला चल रहा है जो बाहर से आप लोग टीचर? 6 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया? अच्छा, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। अच्छा, इसके पहले इसके संबंध में आप और किसी के पास गए थे, जिलाधीश के पास? हाँ, गांव वाले गए थे ना। अच्छा, तो तब उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया था कि शिक्षक की व्यवस्था करा दी जाए? एक शिक्षक की व्यवस्था की है अभी तक। अच्छा, तो उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है यहाँ पे अगर शिक्षक? हमारी पढ़ाई तो पूरी ही नहीं हो रही है। जब विषय टीचर ही नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे स्कूल में? ये सरकारी स्कूल से तो ज्यादा प्राइवेट स्कूल जैसा हो गया है। अच्छा, और जो अभी छत्तीसगढ़ शासन जो है आत्मानंद स्कूल खोलने के दावे करती है, वहाँ पे बढ़िया पढ़ाई कर रही है, जबकि गांव के हालात ऐसे हैं, तो शहर और गांव की तुलना में आप अपने आप को किस स्तर पर देखते हैं? हम अपने आप को उच्च स्तर पर देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर ही नहीं है। हम अपने खुद से पढ़ कर एग्जाम दिला रहे हैं तो उनसे तो अच्छी होगी ना। मैं तगड़ी प्रधान, व्याख्याता गणित, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेवरा। मैं जो है सन 2011 से मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ, और अभी तक जब यूनियन हुआ हायर सेकेंडरी का सन 2017 में, तब से जो है शिक्षा की समस्याएं जो यहाँ पर बनी हुई है, और आज पर्यंत तक जो है उसकी जो है समस्या का सलूशन जो है नहीं हुआ है। अभी जो ग्राम जो समिति है, शिक्षा समिति है, और ग्राम वाले जो है अभी भरसक प्रयास किए, सभी उच्च अधिकारियों तक वहां पर भी गए, और आश्वासन अभी तक जो है शायद उनको मिला, और आज पर्यंत तक जो है शिक्षा की व्यवस्था जो नहीं हो पाई है। तो अभी तो बच्चे जो है लगातार तालाबंदी के मूड में है, लगता है खोलने वाले नहीं है, तो क्या लगता है प्रशासन आपकी बातों को सुनेगी? अब उच्च अधिकारी को जो है जानकारी जो है प्रेषित कर दी गई है, अब उनके मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड रखता है कि वो कहाँ तक अमल कर पाएँ, ये हमारा सोच है। तो आपके स्कूल में जो छात्रों ने जो तालाबंदी की है, तो क्या इसके ऊपर आप छात्रों के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे किसी तरह की? अब कार्रवाई तो हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे गाँव वालों की जो है और पूरे समिति वालों की जो है यहाँ पर तालाबंदी किए हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को क्या कहना है? उनके आपने सूचना दिया कि बच्चे लोग तालाबंदी? हाँ, अभी सूचना जो है कल भी जो है प्रेषित कर दी गई थी, और आज भी जो है अपने यहाँ जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे भी बात हो चुकी है, और अभी उन्होंने आश्वस्त किया है कि आज जो है पुनः यहाँ पर आने वाले हैं और इस समस्या का जो है निदान करेंगे, ये हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। सर, बच्चे लोग बता रहे हैं कि ये तो पिछले कई सालों से ऐसे मतलब टीचर की समस्या है, तो आपको कैसे इससे भरोसा है कि मतलब इस बार होगा मतलब टीचर की व्यवस्था यहाँ? अब अधिकारियों से अभी बात भी हुई है, और हमको जो है विश्वास है कि जो है अभी जो है व्यवस्था जो है एक शिक्षा की जो है अभी व्यवस्था की गई है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो है पूरे जो विषय की जो शिक्षा की व्यवस्था जो है हो पाएगी, तो पढ़ाई जो प्रभावित नहीं होगा। कितना सब्जेक्ट, कितना शिक्षक यहाँ अभी जो है? वर्तमान 4 लेक्चर्स हैं,
आपके अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और फिजिक्स के, और एक विज्ञान सहायक। इतने शिक्षकों के भरोसे जो स्कूल का संचालन जो अभी किया जा रहा है। और किन किन शिक्षकों की कमी है अभी? अभी आपके बायो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके अतिरिक्त जो है हिंदी की, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। अच्छा, यहाँ पे विषय तो सारे हैं पर शिक्षक उपलब्ध नहीं है। हाँ सर, बच्चे लोग बता रहे थे कि बाहर से टीचर हायर करके हम लोग मतलब टीचर यहाँ। हाँ, अभी विगत 5 वर्ष पूर्व की बात है कि ग्रामवासी के सहयोग से जो है स्कूल का जो संचालन जो है किया जा रहा है। बच्चे वही स्थिति है। हाँ, अभी भी वही स्थिति है, ग्रामवासी जो है सहयोग करते आ रहे हैं और उसी के भरोसे से स्कूल जो है संचालन अभी किया जा रहा है। तो यहाँ पे शासन की तरफ से कितने शिक्षक पदस्थ हैं? अभी वर्तमान में अभी 4 ही लेक्चर हैं शासन की तरफ। हाँ, और ग्रामीण लोगों ने यहाँ पे कितने? ग्रामीण इसके पूर्व जो है 3 टीचर जो है व्यवस्था किए थे पूर्व वर्ष में भी, और इस वर्ष जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिया है कि इस वर्ष हम जो है व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ग्राम जेवरा का मेरा नाम है गंगाराम चौहान, मैं माने शिक्षक समिति का सदस्य हूँ। और ये जो समस्या है, जो हाई सेकेंडरी है 5-6 साल हो गया, अभी एक भी टीचर नहीं है यहाँ, उस हाई सेकेंडरी के नाम से एक भी टीचर नहीं आए हैं अभी तक। और कल हम लोग कलेक्टर साहब को भी अवगत कराए हैं कि आज 5-6 साल हो गया हाई सेकेंडरी खुला है जेवरा में, तो अभी तक एक टीचर नहीं आया है करके हम लोग कलेक्टर साहब को बोले हैं। कलेक्टर साहब जिला शिक्षा अधिकारी को लगा बोले, तो जिला शिक्षा अधिकारी बीओ को लगा बोले, तो बीओ को भी लगाए हैं। तो संविदा में तो एक दिए हैं जी, और अभी तो मना किया गया है, तो कौन मना किया गया है? तो हम लोग विनोद चंद्राकर को भी लगाए, तो विनोद चंद्राकर विधायक को लगा बोले, तो विधायक को लगाए, तो विधायक नहीं हुआ मुलाकात, तो मंजीत को लगाए विधायक प्रतिनिधि को, तो वो बीओ से बात किया माने डीओ से, तो वो हम लोगों को सांत्वना दिया कि भाई बाल बच्चों को ऐसा मत करो, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, बाल बच्चों वाले कर रहे हैं करके हम लोग बोले हैं जी। तो अभी तक मैंने 1-2 दिन में आ जाएगा करके बोले हैं, तो बच्चे लोगों को बोले कि भाई 1-2 दिन में आ जाएगा, तो हम लोग नहीं मानेंगे, कल ताला देंगे करके ये लोग बोले। मैं वृंदावती पांडे, क्षेत्र क्रमांक 12 से, जिला पंचायत सदस्य, जिला महासमुंद। तो मैम, आप यहाँ स्कूल में यहाँ ताला बंद हैं, क्या आप समर्थन कर रहे हैं बच्चों का? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। उनके साथ में बैठाई दिखाई दिए आप। हाँ। क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में आप? यहाँ हम लोग बहुत बार आ चुके हैं और शिक्षक के मांग के लिए हमारा महासमुंद बैठक में, जिला पंचायत बैठक में मैं शिक्षा अधिकारी को बोल भी चुकी हूँ, फिर भी कोई नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ का मतलब बसना विधानसभा का विधायक को भी बोलते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं जी। तो इसका तो कार्रवाई होना ही चाहिए। मैं डॉक्टर सोमनाथ पांडे, भारतीय जनता पार्टी से जिला संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ महासमुंद। क्या वजह है आज ये जेवरा में स्कूल में तालाबंदी की गई है? आज मेरे को सूचना मिला कि यहाँ बच्चे लोग और पालक द्वारा हायर सेकेंडरी हाई स्कूल का तालाबंदी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ शिक्षक की कमी है। 6-7 वर्षों से यहाँ पे स्कूल खुल गया है और यहाँ पे शिक्षक की कमी है, तो जरूर बच्चे चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शिक्षक जब तक नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, छात्र कैसे पढ़ेंगे? तो जब से कांग्रेस के शासन आई है 4-5 वर्षों से ना शिक्षक की भर्ती हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस ये जो दिखावा हो रहा है आत्मानंद स्कूल के नाम से, कहीं ना एक बिल्डिंग बन रहा है, ना हायर सेकेंडरी बन रहा है, कुछ नहीं खुल रहा है। अभी आज की न्यूज़ में देख लो, जो हमारे कार्यकाल में पीड़ा में हाई कॉलेज खोला गया था और वहाँ कॉलेज भवन की कमी है, इस 5 वर्षों में इस कांग्रेस शासन ने एक भी भवन कहीं पर नहीं बनाया है। अभी सुनने में आया है कि वो 6 किलोमीटर दूर बरनई दादर का हायर सेकेंडरी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बच्चे लोग भी वहाँ पर, कल शायद वो भी जो न्यूज़ में सुना हो कि वो भी तालाबंदी कुछ करने वाले हैं। तो अभी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे? हमारा समर्थन है, यहाँ पे लगातार बंद रहेंगे, शासन प्रशासन को व्यवस्था करना पड़ेगा, टीचर यहाँ देंगे तब तो बच्चे पढ़ेंगे।